रायसेन जिले के देवरी में कृष्ण जन्माष्टमी धूमधाम से मनाई गई। आस्था और उमंग के साथ राधे कृष्ण मंदिर से भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। यात्रा में शामिल श्रद्धालुओं ने भक्ति गीतों पर नृत्य भी किया और इस दौरान भगवान श्री कृष्ण की एक झलक पाने के लिए लोग आतुर नजर आए। नाचते गाते श्री कृष्ण के जन्म की खुशियां मनाते ये शोभा यात्रा नगर के विभिन्न मार्गों से होकर गुजरी, जहां लोगों ने अपने द्वार पर आए श्री कृष्ण का पूजन आरती कर स्वागत किया। आपको बता दें कि देवरी नगर में गीतांजलि समिति द्वारा पिछले 13 वर्षों से जन्माष्टमी पर भव्य शोभा यात्रा निकाली जाती है। 14वें वर्ष की इस यात्रा में नगर परिषद देवरी में स्थित सभी मंदिर और धार्मिक स्थलों पर ये यात्रा पहुंची, जहां राधे कृष्ण मंदिर समिति ने इन धार्मिक स्थलों पर भेंट अर्पित की। सुबह 6 बजे से शुरू हुआ कृष्ण जन्मोत्सव रात 2 बजे तक चलता रहा। इस बीच भजन पूजन और आरती के साथ ही गीता पाठ भी हुआ और कन्या भोजन का आयोजन किया गया। यहाँ आयोजित मटकी फोड़ का आयोजन भी अनूठा था, जहाँ यात्रा में श्री कृष्ण स्वरूप लिए बालक ने माखन की मटकी फोड़ी। आयोजन के दौरान ठीक रात 12 बजे आतिशबाजी के साथ महाआरती का आयोजन हुआ और यहाँ से शुरू हुआ भजन संध्या का सिलसिला, जो देर रात तक चलता रहा। राधे कृष्ण मंदिर के अध्यक्ष राजेश शर्मा एवं पुजारी सुनील शर्मा ने सभी समिति सदस्यों के साथ नगरवासियों को कार्यक्रम में उपस्थित रहने के लिए आभार जताया, तो वहीं पुलिस व्यवस्था में तैनात रहे जवानों को भी धन्यवाद दिया। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के आयोजन में नगरवासियों, नगर परिषद के जनप्रतिनिधियों, बजरंग दल, हिंदू उत्सव समिति, व्यापारी संघ और प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से सहयोग देने वालों का हृदय से धन्यवाद ज्ञापित किया। बोलिए राधे श्याम भगवान की जय। भगवान की कृपा से कार्यक्रम बड़ी धूमधाम से देवरी नगर में मनाया गया और इस अवसर पर हम कहें कि कौन नहीं जुड़ा कार्यक्रम से। हिंदू उत्सव समिति, बजरंग दल, सभी नेता लोग और भगवान के झांकी में सम्मिलित होने वाले भक्तगण सब उपस्थित हुए। हम किसका नाम नहीं लें, क्योंकि सभी जो सम्मिलित हुए हैं उन्होंने खुद कार्यक्रम के बाद में ये अपनी बात रखी कि कार्यक्रम इस बार का बड़ा जोरदार रहा, बड़ा आनंद आया और इसकी जो स्वरूप कार्यक्रम का हर वर्ष रहता है वो ये कि सुबह से भगवान जी की पूजन की तैयारी और फिर पूजन होती है, पूजन के बाद आरती होती है और आरती के बाद भगवान जी का जो है श्रीमद् भगवद गीता का पाठ होता है और उसके बाद यहाँ कन्या भोज भी चलते हैं। कन्या भोज की तैयारी रात से ही लग जाती है, रात्रि से ही प्रसादी बनना प्रारंभ हो जाती है, कुछ नुक्ति वगैरह, और बाकी सुबह जैसे सब्जी पूड़ी खीर आदि भगवान का प्रसाद रहता है और उसके साथ भी कई चीज़ें प्रसाद में, जैसे रथ यात्रा निकलती है जो 1 बजे 12-1 बजे के बाद जो है रथ यात्रा की तैयारी होती है और फिर जब तैयारी हो जाती है तो यहाँ से बड़ी धूमधाम से डीजे बाजे सभी सम्मिलित रहते हैं और ये जो है यहाँ पर देवरी नगरवासी और आसपास के जितने भी मोहल्ले हैं सब सम्मिलित होते हैं। यहाँ तक कि शुरू जो कार्यक्रम जो है तुलसीनगर से प्रारंभ हुआ था और वहाँ हनुमान मंदिर से चलता था, आज तो हमारे यहाँ इस जगह देवरी में ही मंदिर बन गया है ये राधे श्याम जी का। आज 5-6 साल निकल गए हैं, इतने समय से ये मंदिर है और यही कार्यक्रम हो रहा है जब से मंदिर बना है। तो ये जो है भगवान जी का कार्यक्रम यहाँ से निकलता है, इसमें सम्मिलित तुलसीनगरवासी भी होते हैं, पुराने मंदिर वाले, इस नए मंदिर वाले भी सम्मिलित होते हैं, यहाँ आस पड़ोस के पूरा मोहल्ला और दूर थोड़े नज़दीक में यहाँ जो है जिन्हें हम अपन कहें कि धूर्धवा नाम से जानते हैं लोग बाग, वे सभी सम्मिलित इस वर्ष कार्यक्रम में हुए। और ये समझो कि मौसम का डर था कि कहीं पानी न गिर जाए, नहीं कार्यक्रम कैसे करेंगे, कैसे हमारे उत्सव का ये जो जुलूस निकलेगा, तो उसमें कह रहे कि क्या करेंगे, भगवान से प्रार्थना करो पंडित जी। हमने तो कहा कि भाई भगवान जो कुछ करेंगे अच्छा ही करेंगे, तो देखते देखते ये हुआ कि पानी खुल गया, अच्छा मौसम बना। जब रथ यात्रा प्रारंभ हुई तभी सबके दिल में बड़ा उत्साह था, साथ ही जब ये देवरी स्टैंड पर झांकी पहुंची, रथ यात्रा शोभा यात्रा पहुंची, तो उस समय पानी गिरा और उसका ये माहौल रहा कि उसमें भी अनुकूलता हमें मिली क्योंकि गर्मी लग रही थी
और गर्मी लग रही थी तो नाचने वालों में थोड़ा सा उत्साह कम रहा था, इस कारण पानी गिरने से उनमें इतना उत्साह जगा कि फिर पानी गिरने के बाद वो जो नाचे तो उसी से माहौल बन गया। और पूरे नगर भ्रमण के बाद हमारी झांकी जो है जैसे ये मंदिर से प्रारंभ होकर के तुलसी नगर, नर्मदा कॉलोनी और स्टैंड से ये मेन जो रोड है उसके सहारे यहाँ जवाहर चौक, राम जानकी मंदिर और उसके बाद बाजार से होते हुए अटा, और जैसे हम अटा और वहाँ के चौक से होकर के सोनी मोहल्ला से वापस फिर यहीं तालाब के किनारे किनारे अपने मंदिर पर पधारे। और कार्यक्रम की जो है शेष रूपरेखा है और इस ढंग से चली कि रात्रि में भजन हुए, सभी भक्तगण पीले वस्त्र और राधे श्याम नाम के रुमाल और उनके साथ उनका समिति का बैच यहाँ जेब पर लगा हुआ, तो ये जो है बड़ा रौनक रात्रि में ही साज सज्जा हो जाती है कार्यक्रम की। भगवान की बड़ी अनोखी तैयारियाँ भी होती हैं और उसके बाद इनका कोई किसी का कोई सामान यहाँ मंदिर पर ना रहे उसकी भी बड़ी ध्यान दिया जाता है। और हम इस वर्ष को बड़े अनोखे और नए अंदाज में देख रहे हैं, हर साल ये कार्यक्रम मनाया जाता है, विगत 2011 से ये कार्यक्रम मनाया जा रहा है, ये 14वां कार्यक्रम है। और इस कार्यक्रम में विशेषता हमने देखी है कि ये जो है उत्साह भरने वाला कार्यक्रम रहा है। अब बात जरूरी हो जाए कि लोगों से जब संपर्क किया तो उनसे हमें मिला कि वो साल भर इस कार्यक्रम को याद रखते हैं, भूलते नहीं हैं, इसका इंतज़ार करते हैं, तो ऐसे कार्यक्रम होते रहें। हमारी ईश्वर से भी यही कामना है और सभी जनों से भी यही प्रार्थना है कि इस कार्यक्रम में और ढेर सारा सहयोग और जो है सहयोग प्रदान करें, और जो साथी संगाती जो रहे हैं वो अपने आप को जिस ढंग से जोड़े हैं उससे आगे ही बढ़ें, पीछे ना हटें। बोलिए राधे श्याम भगवान की जय। ब्यूरो रिपोर्ट, वॉइस ऑफ राइट्स।